नमस्कार, स्वागत है आपका सीटीडी न्यूज में। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब आरएसएस के पूर्व कार्यवाह सुरेश जोशी उर्फ भैया जी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये खबर ऐसे समय में आई है जब देश में कोरोना के मामले हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आम लोगों के साथ साथ कई दिग्गज हस्तियां भी कोरोना की चपेट में आ रही है। अब इस लिस्ट में भैया जी का नाम भी शामिल हो गया है। इससे एक महीने पहले नागपुर के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में जाकर कोविड-19 वैक्सीन का पहला टीका लगवाया था। हालांकि इसके बावजूद अब भैया जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर देश में कोरोना वायरस के नए केस लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि कुल मामलों में से 54% केस और संक्रमण से होने वाली मौतों के 65% केस सिर्फ 11 राज्यों से हैं। पिछले 14 दिनों के दौरान महाराष्ट्र और पंजाब में अनुपातिक रूप से मौत के मामलों में तेजी आने से देश के 11 राज्यों में मरने वालों की दर का आंकड़ा 64% पर पहुंच गया है। ऐसे अधिकांश मामले 15-44 साल की आयु वर्ग में और मौत की अधिकांश मामले 60 साल से अधिक आयु वर्ग की आबादी में देखे गए हैं। बढ़ते केस के बीच कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी होने के कारण वैक्सीनेशन रोकने की भी बात कही है। हालांकि केंद्र सरकार ने कमी की बात को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के 58,993 नए केस आए और 301 लोगों की मौत हो गई। वहीं दिल्ली में शुक्रवार को कोविड-19 के 8,521 नए केस आए हैं और 29 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में पिछले साल 11 नवंबर के बाद से एक दिन में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश दुनिया की ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे सीटीडी न्यूज। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।